ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाला मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। हालांकि ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को देखने के बाद वो महसूस करती है कि आरोपी केजरीवाल से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। उन्होंने ईडी के उस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मामले की गंभीरता और अन्य आरोपियों के समक्ष आमना सामना करवाना जरूरी है ताकि सभी तथ्यों का खुलासा हो सके। इससे पहले ईडी ने कहा था कि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। दो बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। पूरे देश में एक बार फिर ईडी की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर चर्चा हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि फॉरेन मीडिया ने केजरीवाल पर क्या लिखा है। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि विरोधियों पर कार्रवाई में तेजी के बीच भारत ने दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार किया। सीएनएन ने गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर लगाया है। इसकी हेडलाइन में लिखा है, चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम गिरफ्तार, विपक्ष ने इसे साजिश बताया। सीएनएन के साथ साथ बीबीसी ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर को अपने मेन पेज पर जगह दी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर एक लेख लिखते हुए लिखा, केजरीवाल भारत की राजधानी और पंजाब राज्य पर शासन करते हैं। उनकी गिरफ्तारी हाल ही में हुई किसी विपक्षी नेता की दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि शराब नीति मामले में केजरीवाल की भूमिका स्पष्ट नहीं है। विपक्ष ने हाल ही के दिनों में मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं। वहीं सीएनएन ने लिखा है कि भारत में एक अहम विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष ने चुनाव से पहले हुई इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल प्रधानमंत्री के कड़े आलोचकों में से एक हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीबीसी ने लिखा है, भारत में विपक्ष के नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। केजरीवाल ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है। कतर के मीडिया हाउस अल जजीरा ने भी केजरीवाल मामले को अहमियत दी है। अल जजीरा हेडलाइन में लिखता है, मरा हुआ लोकतंत्र, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी भारत के विपक्ष को एकजुट कर पाएगी। एक बड़े लेख में अल जजीरा ने लिखा है, केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारत की राजधानी संवैधानिक संकट में फंस गई है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से सीबीआई और ईडी के दायर किए गए 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी को अहमियत दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, भारत में चुनाव से हफ्ते भर पहले एक पार्टी के हेड को ड्रामे के बीच गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके समर्थकों का कहना है कि उन पर झूठे आरोप हैं। वहीं एक दूसरी पार्टी ने कहा कि वो अपने फंड्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए TV9 Digital।